नमस्कार मित्रों, पंचाक्षर मंत्र मुख्य रूप से पांच अक्षरों से मिलकर के बना है और इन पांचों ही अक्षरों के अलग अलग श्लोक यानी कि जिसे कि पंचाक्षर स्तोत्र कहा जाता है वो भी निर्धारित किया हुआ है। और ये पांच अक्षर इस प्रकार है, न, दूसरा म, तीसरा शी, चौथा वा और पांचवा य। इस प्रकार से नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बनता है और इसका श्लोक इस प्रकार है, ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर पद्मनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्यादक्षा ध्वनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वान लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकार नमः शिवाय। इस प्रकार से यह पांच अक्षर जो कि पंचाक्षर स्तोत्र कहलाते हैं और पंचाक्षर मंत्र इसी से बनता है। और पंचाक्षर मंत्र महादेव का सबसे प्रमुख मुख्य मंत्र माना जाता है और संसार का ताकतवर मंत्र भी माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी मंत्र को ना जप पाए, कोई सिद्धि ना कर पाए, तो मात्र वो पंचाक्षर मंत्र को ही सिद्ध कर ले तो उसे वो सारी सिद्धियाँ हासिल हो सकती है और वो सारे उसके मनोभिलाषित कार्य सिद्ध हो सकते हैं जो जो वो चाहता है। इसीलिए पंचाक्षर मंत्र का ऋषि मुनीषि ने भी काफ़ी वर्णन किया है और इसके बारे में उन्होंने इसका महत्व बताया है। और इसका महत्व इतना है कि प्राचीन काल में कई लोग देव, दानव, यक्ष, किन्नर आदि सब लोग भी इस मंत्र की तपस्या किया करते थे। यानी कि वह कोई एक पैर पे खड़ा होकर करते थे, कोई कंदरा में गुफा में जाके करता था। इस प्रकार से सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुओं को सहन करके वे लोग कठोर तपस्या करते थे और इस मंत्र का लगातार जप किया करते थे, जिसके फलस्वरूप साक्षात भगवान शंकर उनके सामने उपस्थित हो जाते थे और उसके कारण वहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति होती थी और वह एक ज्योतिर्लिंग बन जाता था। इस प्रकार से प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग है, उन सभी का ये अलग अलग महत्व है। सभी ने तपस्या करके, कठोर तपस्या करके उन ऋषि मनीषियों ने वो स्थान हासिल किया है और उस भूमि को तपा है। इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली है और हर प्रकार के वर और वरदान प्राप्त करने में ये सहायक है। मनोभिलाषी टेस्ट अपने मन की कामनाएं सिद्ध करने में भी ये मदद करता है। कई रुके हुए काम भी इस मंत्र के द्वारा बन पड़ते हैं और ग्रहों की बाधाएं भी दूर होती है, हमारे दुख संताप से हमें छुटकारा मिलता है और भी अनेक प्रकार की व्याधियाँ जो भी विद्यमान होती है उन सबसे हमको छुटकारा मिलता है। और अगर जीवन में सुख की न्यूनता है और इस प्रकार से पूर्णता ही नहीं है तो वो सब भी इस मंत्र पंचाक्षर के द्वारा प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति को जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो अधूरी रह गई है या जो पूर्ण होने बाकी है या कोई हुई नहीं है, सब प्रकार से इस मंत्र से मदद मिलती है और वो सारी सिद्धियां यानी कि वो सारे कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ये पंचाक्षर मंत्र का इतना महत्व बताया गया है। पंचाक्षर मंत्र का जब किसी भी सोमवार से या सोमवती अमावस्या से या सबसे बड़ा शिवरात्रि के दिन से या उसके अलावा ग्रहण काल और पुष्य नक्षत्र योग में और अक्षय तृतीया, इस प्रकार से ऐसे मुख्य दिवस है जिस समय पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। और उस समय अगर उसका जब आरंभ किया जाए और फिर उसको जब करते करते 1,25,000 जब किया जाए या 5,00,000 उसके बड़ा करके किया जाए, 1,25,000 से मंत्र सिद्ध हो जाता है और 5,00,000 मंत्र पंचाक्षर का जप करने से पूर्ण रूप से सिद्धि हासिल होती है। यानी कि व्यक्ति शिवत्व प्राप्त कर लेता है, यानी कि शिवजी की आशीष और उनके आशीर्वाद का वह भागी होता है, यानी कि स्वयं भगवान शिव का प्रसाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और अपने जीवन में हर प्रकार की वो तरक्की करता है, उन्नति करता है और अपना नाम कमाता है और जगत में उसका नाम विख्यात होता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि 5,00,000 की संख्या तक पंचाक्षर मंत्र का जब निरंतर कर लेता है तो अवश्य ही वो सारी सिद्धियाँ उस व्यक्ति को हासिल होती है और ऐसे ऐसे कार्य उसके संपन्न हो जाते हैं जिनका कि होना भी असंभव होता है। यानी कि कुछ ऐसे कार्य जीवन में होते हैं जो कि जिन्हें नामुमकिन कहा जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए जिसने 5,00,000 की संख्या में पंचाक्षर मंत्र का जप कर लिया है तो उसके जीवन में नामुमकिन नाम का शब्द होता ही नहीं है। यानी कि उसके सारे कार्य सफल होते हैं, जहाँ हाथ रखता है वहाँ उसे जीत हासिल होती है, शत्रु उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, चाहे हजारों शत्रु हो उस व्यक्ति का कोई अहित नहीं कर सकता है जो कि 5,00,000 की संख्या में पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर चुका है।
इसलिए अवश्य ही शिवरात्रि के दिन से या अच्छे सोमवार को या अच्छे दिन से शुभ दिन से आप प्रारंभ करें। अपने जन्म दिवस पर भी आप प्रारंभ कर सकते हैं और इस प्रकार से नित्य 51-10,000 की संख्या में जप करें, और यानी कि 51 माला करेंगे तो 5,000 जप होगा। इस प्रकार से अगर आप 100 माला करते हैं तो नित्य 100 माला का ऐसा रखिए और फिर अवश्य ही आप इस मंत्र को सिद्ध कीजिए, जिससे कि निरंतर जप के कारण अवश्य आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है और सफलता व्यक्ति को अवश्य प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से जब 1,25,000 का जप के बाद में आपका जप और आगे बढ़ता चला जाता है और वह 5,00,000 की संख्या को पार कर लेता है, यानी कि 5,00,000 जप जब व्यक्ति के पूर्ण हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और इस प्रकार से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है और हमें वो सिद्धियाँ हासिल होती है। यानी कि इन सिद्धियों के अंदर पूर्वाभास की सिद्धि भी प्रमुख मानी गई है। एक मन चाहा कार्य हो जाना, यानी कि जिस कार्य की वचन मन में लिया और वो कार्य सामने हाजिर हो गया, इसे कहते हैं वचन सिद्धि, मानसिक सिद्धि। और उस व्यक्ति का तीसरा नेत्र यानी कि आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और आज्ञा चक्र जागृत होने से वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से अपना मन चाहा कार्य करवा सकता है, यानी कि अपनी जो इच्छा हो। यानी कि अगर वो आदमी व्यवसाय में है, व्यापार में है, उसके नीचे काफ़ी लोग काम करते हैं, उसका कहना नहीं मानते हैं, तो अगर जिस व्यक्ति ने 5,00,000 की संख्या में मंत्र जप किया हुआ है तो वो व्यक्ति जो कहेगा, जैसा वो निर्देश मन में सोचेगा वैसे ही अनुसरण वो करेंगे, वैसा ही वो काम करेंगे, यानी कि उसकी बात को टालना नामुमकिन होता है जो कि 5,00,000 की संख्या में पंचाक्षर मंत्र का जप निरंतर कर लेता है। इसमें निरंतर शब्द इसलिए कहा गया है कि इसमें एक दिन का भी गैप होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन भी चूक जाता है व्यक्ति जप करने से तो पीछे किया हुआ सब बेकार चला जाता है। इसलिए जो करो, जो नित्य करो और नित्य नियम से करो, चाहे कहीं भी हो, चाहे आप हवाई जहाज में बैठे हो, चाहे रेलगाड़ी में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, अपनी माला अपने साथ रखो और माला को ढक करके या शर्ट में डाल करके अपना जप करते रहो। इसलिए मंत्र जप बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आप हॉस्पिटल में भी क्यों ना भर्ती हो, अपने उस बिस्तर पर बैठ कर ही पंचाक्षर मंत्र का जप करें और पूर्ण रूप से आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी, एक दिन भी ना चूकें। इस प्रकार से निरंतर अभ्यास, निरंतर मंत्र जप से अवश्य ही व्यक्ति को पंचाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाता है और 5,00,000 की संख्या पार करने के बाद में व्यक्ति को वो सिद्धि हासिल होती है जो कि ऋषि और मनीषी हासिल करते थे। इसलिए अवश्य ही हमें पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध करना चाहिए और शिवरात्रि को आरंभ करके जो व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र का जप करता है या किसी सोमवार के दिन भी अगर कोई व्यक्ति प्रारंभ करके मंत्र का जप करता है, उसे सिद्धि हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है और वो पूरे जगत में विख्यात होता है, उसका नाम होता है और हर जगह वो व्यक्ति जीत हासिल करता है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।